तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो अमित भाई का तिलक हुआ था, आज उनका हल्दी है और मड़वा भी है और कल उनका शादी है। तो हम लोग अभी निकल चुके हैं घर से और चलिए अमित भाई के घर पे जाके देखते हैं कौन कौन सी रस्म होती है और कैसे हल्दी लगाया जाता है। ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड किया है, वीडियो को थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया है मैंने। और ये मैं जाते हुए और यहाँ से लेंगे हम लोग कट और इसके बाद फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं भैया के घर में और यहाँ देखेंगे। अच्छा, इधर खाने का तैयारी हो रहा है, आज हल्दी है तो खाने का भी तैयारी है। तो यहाँ कुछ फ्राई किया हुआ और ये चाचा कैप्सिकम या मिर्ची, हाँ मिर्ची ही था, मिर्ची डाल नहीं कैप्सिकम था, कैप्सिकम डाल रहे हैं और उनको मैंने इधर बोला देखा। और ये उनका जीजा जी जो मछली धो रहे थे और उन्होंने देखा कि मैं वीडियो बना रहा है तो उन्होंने हंसने लगा। और ये मैं मतलब ये बड़े भैया है उनका, अमित भाई का बड़े भैया, इन्होंने कहा कि ठीक से आया नहीं तो फिर से एक बार लीजिए वीडियो। तो मैं फिर से आ गया वीडियो बनाने, बोला ठीक से धोइए ठीक है ना, वरना समझते ही हैं। तो ये उनका घर अच्छा था और ये उनका उधर जीजा जी है और ये तो बैठे थे, उनको नहीं पहचानता मैं। और अब क्या बोलते हैं, ये सब फ्राई हो चुका है तो ये और फ्राई हो रहा है, ये चाचा फ्राई कर रहे हैं दिल लगा के दिल लगा के। मैंने कहा था कि चाचा ढंग से खाना बनाना है, बट बहुत ही अच्छा खाना बनाए थे चाचा, बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत पसंद आया खाना। और ये अब रस्म शुरू होने वाली है और यहाँ अमित भाई बैठे हुए हैं और उनका बेबी बैठी हुई है और इधर साइड में भाभी जी भी हैं जो आग जलाने की कोशिश की जा रही है। और इस पर क्या बोले थे, हाँ हल्दी यार, बहुत सारा था जो नियम में आते हैं वो सब घुमाएगा और उसके बाद पिसाएगा, उसके बाद लगाया जाएगा। तो जैसे ही बने रही और देखते हैं आगे क्या क्या होता है। ये हमारा नीतीश और ये अमित भैया का मम्मी है, चाची हमारी। और यहाँ अब मतलब हल्दी उल्दी भिजाने लगा है, क्या बोलते हैं जो भी हो उसमें घूमेंगे, फिर ईसाई होगा और बहुत सारा ही। ये उनका घर का अंदर से लुक और इधर बहुत लोग बैठे हुए हैं जिन्हें मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ ये दीदी हैं और ये अमित भाई हैं और ये घूम घूम के रख रही हैं। चल है काम बस ऐसे ही। अब भूंगा हुआ हो गया है और ये क्या बोलते हैं, आटा भर के उस पर डालेंगे और ये पिसाई शुरू है। हल्दी जो अमित भाई को लगेगा पिसाई शुरू है और इधर अमित भैया और आप लोग ये मत बोलिएगा कभी भाई और कभी भैया बोलते हैं, तो हम लोग को बिहारी में होता है भाई भैया सब एक ही है, ठीक है ना। और ये भाभी और चाची और इधर तो बहन और ये पता नहीं कौन थे, भाभी होंगी या बहन होंगी मैं नहीं बता सकता, मैं पहचानता नहीं था एक्चुअली बस। और ये सब हो चुका है, बस बने रहिए। और अमित भाई का मैंने कुछ बोला था और हंस रहे थे, मैं पता था कि मैं वीडियो बना रहा हूँ ठीक है ना बस। और ये मेरा नीतीश मेरा भाई और यहाँ से खाना शुरू खाएंगे अब, बस मैंने खाने का नहीं बनाया, बस मेरा हुआ था तो यही मैं वीडियो बना लिया बस। देखिए सब खाना खाएंगे, मतलब ये मैं उनका ऊपर वाले रूम देख लिया था जो ऊपर से कैसे छत का, चलिए बने रहिए और देखते रहिए। बहुत ही अच्छा घर बनाया है और बहुत ही अच्छा घर था। और ये जो दिखी वो उनका नहीं बोलता,
ये हम लोग ऊपर से सीन ले रहे हैं इधर से और ये इधर से, तो बहुत ही अच्छा लगा इनका घर देख के। ये सबसे ऊपर मतलब सबसे ऊपर छत पे गए थे हम और यहाँ से देखने मतलब व्यू लेने, और यहाँ से हम लोग दो चार फोटो भी क्लिक करा था। और ये मेरे साथ जो लड़का था नितीश भाई, और यहाँ से देख सकते हैं कितना क्यूट लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चले नीचे चलते हैं और ये सब खाते हुए सब खाना खा रहे हैं, और खाना में मतलब सब्जी दाल एक चटनी और मछली बना था। खाना बहुत ही, मैंने आगे भी बताया था, बहुत ही अच्छा बना था और अच्छा भी लग रहा। और ये इनका जीजा जी, ये सब जानते ही है ना, सब शर्मा आ जाते हैं, वीडियो क्यों बना रहा भाई, हम क्यों खाएं। तो बने रहिए, आगे बहुत सारा बाकी है। तो और ये उनका जीजा जी दोनों बोले थे हमें भी बना लीजिए वीडियो, हमें भी ले लीजिए। मैंने बोला हाँ क्यों नहीं, आप लोग का मतलब आप लोग का ही तो वीडियो बनाने के आए हैं। और यहाँ से सबको खाना परोसा जा रहा था, ये देख लीजिए। ये सब लोग एंजॉय करते हुए और गाना बजते हुए, और मैंने तो दिखाया था एक बार घर, फिर से ले लिया मैंने। और इधर अमित भाई खड़ा है, ये देखिए, और ये मुस्कुरा भी रहे। तो बोले थे तो एक बार और ले लो घर का सीन, बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो ये लेते हुए मैंने, और उसके बाद इन्हें जो ससुराल से गाड़ी मिली थी पाची, देखिए बहुत ही अच्छी गाड़ी है, बहुत ही मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, गाड़ी अच्छी है अगर लगेगा ही अच्छा ना। तो इसके बाद उनका हल्दी हो चुका था, और शायद हल्दी का वीडियो मैं नहीं बना पाया क्योंकि पिक्चर कैच करना था, इसलिए मतलब काम कर रहे थे ना कैमरा का, तो कैमरा पे भी ध्यान देना था, और इस पे ऐसे ही मैं बहुत परेशान था। ये सब उनका नियम हो रहा है, सब नियम सब काम कितना अच्छा से हो रहा है ना, है ना। तो अब यहाँ मतलब काम ख़त्म हो चुका है हम लोग का, फाइनली काम ख़त्म हो चुका है। और ये सब अब ये सब इंजॉय करते हुए सब नाच रहे हैं, कितना खुशी का माहौल है बताइए, बहुत ही खुशी का माहौल है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और बस ऐसे ही बने रहिए, अभी ख़त्म थोड़ी हुआ है, ऐसे ही बने रहिए। इसके बाद काफ़ी रात हो चुकी थी तो मैं जल्दी जल्दी बोला था। और इसके बाद मेहंदी का तैयारी चल रही है, ये मेहंदी मतलब अब मेहंदी लगाया जाएगा हमको, तो मैंने बोला थोड़ा सा लगा दीजिए और हम लोग दो शॉट लेंगे और निकल जाएंगे। तो दोनों बहन हैं, सब सब दीदी हैं इनका, पता नहीं ये कौन थे, और ये दीदी मेहंदी लगाते हुए। और ये अमित भाई, हाय भाई, कितने अच्छे लग रहे हैं आज हल्दी का दिन। और मैंने ये करा और बहुत ही खुशी का माहौल है शादी का। बस हम लोग निकलने वाले ही थे कि ये दो बेबी डांस कर रही थी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने बोला चलो इस दोनों बेबी का भी वीडियो बना ही लिया जाए, और मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने थोड़ा सा और रुक गया। और अभी काफ़ी 10 बज चुके थे, रात 10 बज चुका था इसीलिए।